हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेंडर। डियर स्टूडेंट, सिलेंडर इसके पहले हम लोग क्यूबॉइड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेंडर। डियर स्टूडेंट, सिलेंडर आप सिलेंडर कहेंगे तो सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड रहेंगे। सॉलिड सिलेंडर के जो एग्जांपल होंगे, सर्कुलर फिलर्स जो होते हैं वो सॉलिड सिलेंडर के अकॉर्डिंग हैं। सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पेंसिल, मेजरिंग जार्स, रोड रोलर्स एंड अ गैस सिलेंडर ETC, इस टाइप के जो सेफ होंगे वो सिलेंड्रिकल सेफ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमको फार्मूले को समझना है। फार्मूले को समझ करके इसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम, यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर होता है। यहाँ से हम इसका फार्मूला हम समझते हैं, फार्मूला कैसे आया है। डियर स्टूडेंट, हम एक यहाँ से लेंथ इंटू हाइट दैट इज एल इंटू वी, ए रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगल है, ये जो आप कागज़ को दिख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप है। इसको डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको सिलेंडर बनाते हैं तो इस टाइप का शेप होगा, इस टाइप का ये सिलेंडर होगा, सिलेंडर। और यह जो है आपका बेस होगा, बेस जो होगा सर्कुलर फॉर्म, एक सर्किल का फॉर्म है यह, बेस होगा बेस इनटू हाइट। तो एरिया का, सर्किल का एरिया हम यहाँ, सर्किल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ये जो सर्किल का एरिया होता है, अभी जस्ट ने आप उसका डायग्राम बनाया तो इस फार्म में बना था, इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। कैसे होता है इसको हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका ये रेक्टेंगुलर का शेप है, इसका हम एरिया निकालेंगे L इंटू वी करते हैं। तो L इंटू वी, डियर स्टूडेंट यदि हम इसको एक सिलेंडर फॉर्म में यहाँ शेप तैयार करते हैं तो इस टाइप का सेफ बनेगा, एक सिलेंडर टाइप्स। तो यहाँ से ये जो अभी आपने इसको कवर्ड किया, इसको ऐसे करके फोल्ड करके इसको आपने कवर किया, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये जो होगा, इसको जब आप तो डियर स्टूडेंट इस टाइप का शेप बनेगा एक सिलेंडर। लेंथ को हमने क्या कर दिया, एक लेंथ को एक सर्कुलर फॉर्म दे दिया। तो इसका सर्कुम्फ्रेंस, ये जो सर्किल बनेगा इसका सर्कुम्फ्रेंस जो होगा 2πR होगा, 2πR इनटू एल जो होगा, एल को ही हम
एक सर्कुलर फार्म दिए हैं, ये लेंथ है, लेंथ को हम एक सर्कुलर फार्म यहाँ से दे दिए तो एक सर्कुलर फार्म बन गया। तो इसका सर्कुम्फ्रेंस होता है 2πr होगा, 2πr इंटू इसका हाइट भी है, यह जो होगा हाइट होगा इंटू एच, तो यहाँ से क्या कह देंगे 2πr h। डियर स्टूडेंट ऐसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम फार्मूले को समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर हुज हाइट इज h यूनिट एंड द रेडियस ऑफ हुज बेस इज आर यूनिट्स देन वी हैव यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमको फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेकेंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पर टू सर्किल फॉर्म हो रहे हैं, रेडियस हो जाएगा इसका भी आर होगा, ये भी आर होंगे और इसका जो होगा यही हाइट है, तो हम यहाँ से हाइट डिनोट कर देंगे एच से। तो डियर स्टूडेंट तो आपसे अभी जस्ट बताया गया है कि ये जो सर्किल होती है उसका एरिया, जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आप वहाँ से फाइंड कर लिए हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच यूनिट का क्यूब हो जाएंगे, यूनिट्स का क्यूब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी जस्ट डिराइव कराया गया है कि जब हम एक रेक्टेंगल को सर्कुलर फॉर्म में यहाँ से ये जो आपका ये लेंथ है, लेंथ को हम फोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक सिलेंडर शेप बन रहा है, तो सिलेंडर जो शेप बनेगा तो यह एक यहाँ पर जो सर्कुलर फॉर्म होगा इसका हम सर्कुफ्रेंस लिख देंगे, तो सर्कुफ्रेंस क्या होगा 2πr होगा एंड इसकी हाइट भी है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 2πr h स्क्वायर यूनिट्स। डियर स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो इसके पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर आप इक्वल करके लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया डियर स्टूडेंट
या जो सरफेस दिख रहा है इसका एरिया हमको फाइंड करना है, और इस सर्किल जो सर्कल दिख रहा है इसका एरिया और इसका एरिया, तो इसमें टो सर्कल है, टो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड इनटू, उसमें हाइट भी है, हाइट भी वहाँ लिखेंगे। तो एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस, एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस प्लस टू इंटू बेस एरिया। तो डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस अभी हम यहाँ से फाइंड किए थे, तो वहाँ पर लिखेंगे 2πRh और बेस इंटू एरिया, इसका पाई आर स्क्वायर यहाँ करेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर, टू सर्किल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे तो इसका हम एरिया करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम 2πR कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारा बचेगा H प्लस R, ये जो होगा स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ भी लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। डियर स्टूडेंट, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऐसे हम फार्मूले को डिराइव करके इसको हम तैयार रखेंगे, 2πRh H प्लस R मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πRh 2πR² वैल्यू आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को तैयार रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो इसका इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का फार्मूला देखते हैं। हॉलो सिलेंडर, डियर स्टूडेंट, यहाँ से हॉलो सिलेंडर के कुछ एग्जांपल हैं, आयरन पाइप्स, रबर ट्यूब्स etc. आर इन द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर। फार्मूला इसके लिए हम समझते हैं, फार्मूला लिखेंगे फॉर अ हॉलो सिलेंडर, विथ एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R और यूनिट्स इंटरनल रेडियस स्मॉल r यूनिट्स एंड हाइट H units we have
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, इसके लिए हम डियर स्टूडेंट, फॉर अ हॉलो सिलेंडर इस टाइप का जो शेप है, हॉलो सिलेंडर के लिए हालो, डियर स्टूडेंट, ये शेप जो है हालो सिलेंडर विथ अ एक्सटर्नल रेडियस, ये जो है इसकी थिकनेस जो है, यहाँ इसके सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से जो थिकनेस है उसकी रेडियस हमने सपोज कर लिया यहाँ से कैपिटल आर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दिख रहा है ये जो होगा, यहाँ से डिस्टेंस लेकर के लास्ट तक, सेंटर से लास्ट तक ये पूरी है कवर आ जाएंगे, ये सरफेस आ जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट ओ, इसके सेंटर से सरफेस तक की रेडियस को हमने आर कहा, और आर जो है आपका वही एक्सटर्नल रेडियस होगा, और इंटीरियर एंगल जो है आपका इंटरनल रेडियस जो होगा, तो सेंटर से इसके सर्कुम फ्रेंस के उसके इंटीरियर पार्ट में ही होंगे। ये इंटीरियर पार्ट का रेडियस जो हालो होगा, जो खोखला होगा उसका, वो सर्किल का ये रेडियस स्मॉल आर हमने लेट कर लिया, एंड यूनिट एंड हाइट, इसका जो हाइट है सिलेंडर का हमने एच यहाँ पर लेट कर लिए। इसके बाद से फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सेकेंड कवर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल, थर्ड पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से एक्सटीरियर वॉल्यूम उसके लास्ट सरफेस तक, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, एक्सटीरियर वॉल्यूम जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड हो जाएगी उस हॉलो सिलेंडर के। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम,
यहाँ से फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस इंटीरियर पाई आर स्क्वायर एच। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे पाई एच कॉमन है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये डियर स्टूडेंट यूनिट्स का क्यूब हो जाएगा। फार्मूले आप सेकेंड का फार्मूला कवर्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, तो हमको उसमें इंटीरियर सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। हॉलो स्फीयर का जो इंटीरियर सरफेस है और उसके आउट जो है आउटर सरफेस दैट मीन्स एक्सटर्नल सरफेस को जब हम ऐड कर देंगे तो कवर्ड सरफेस एरिया वहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस प्लस इंटरनल सरफेस, इसको हम ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल का अभी आपने फाइंड किया 2π कैपिटल आर, 2π कैपिटल आर एच प्लस इंटीरियर 2π आर एच। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से कुछ कॉमन होगा 2πh को हम कॉमन करते हैं 2πh को, तो यहाँ से r प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr आर एच एंड 2πh इंटू आर, ये फॉर्म यहाँ से निकल करके आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर कवर्ड, यहाँ से कवर्ड सरफेस प्लस सरफेस प्लस टू एरिया ऑफ बेस रिंग। डियर स्टूडेंट, कवर्ड सरफेस 2π आर एच प्लस 2π आर एच प्लस 2 × π आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया को समझते हैं। अभी आपने इसको कवर्ड किया इस रेक्टेंगल को, एक शेप तैयार कर दिया जो सिलेंडर का फॉर्म है। तो अभी जस्ट बताया गया है कि जो एक्सटीरियर सरफेस होगा और यही आपका जो लेंथ होगा, लेंथ एक सर्कुलर फॉर्म का रूप दे रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से 2π आउटर सरफेस के लिए 2π कैपिटल आर इंटू एच, ऐसे इंटीरियर का हम निकाल लेंगे 2π और एच, इसी में दोनों हैं ये एक्सटीरियर पार्ट और ये इंटीरियर पार्ट,
जब ऐसे शेप बनाएंगे इंटीरियर पार्ट और ये एक्सटीरियर पार्ट, तो इसका कवर्ड सरफेस होगा 2πRH, 2π इंटीरियर का होगा 2πRH। डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक आउटर के लिए और एक इंटीरियर के लिए दो सर्किल बनेंगे, दो रिंग बनेंगे। तो हम एक्सटीरियर के लिए हमने एरिया उसका फाइंड किया पाई आर स्क्वायर, टू इधर हो जाएंगे, तो 2π, वन वहाँ होगा, तो पाई आर स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो 2πR² के किसके लिए, एक्सटीरियर सर्किल के लिए है, और यहाँ पर माइनस इंटीरियर सर्कल, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें भी टू सर्किल होंगे इंटीरियर के लिए, तो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, तो डियर स्टूडेंट यही हमारा फार्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप तैयार रखेंगे और इसके बाद से एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 तक आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।